हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको छोटे उ मात्रा का बुक वर्क करवाऊंगी और साथ में उसकी रीडिंग करवाऊंगी। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 37। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 37। ये है देखो पढ़ो और समझो। ये हमने पहले भी किया था। कौन सी पिक्चर है ये? पुल, ये गुलाब, ये कछुआ। तो आइए पढ़ो। स को छोटा ऊ न सुन, ज को छोटा ऊ र को आब जुराब धुन, ज को आ म को छोटा ऊ न जामुन, च को छोटा ऊ न चुन, स को आ ब को छोटा ऊ न साबुन, क को छोटा ऊ ल कुल, ग को छोटा ऊ न ग को छोटा ऊ न को आ गुनगुना, स को छोटा ऊ म न सुमन, ब को छोटा ऊ ल ब को छोटा ऊ ल बुलबुल। पढ़ो और सुनाओ। एक एक, च को छोटा ऊ, ह को छोटी ई, य को आ चूहिया थी, एक चूहिया थी, वह ह को छोटा ऊ त बहुत, च को छोटा ऊ ल चुल, ब को छोटा ऊ ल को बड़ी ई चुलबुली, थ को बड़ी ई थी। एक एक, द को छोटी ई न दिन, वह क को छोटा ऊ, स को छोटा ऊ म कुसुम, क को बड़ी ई की, ज को छोटा ऊ र को आब जुराब, क को छोटा ऊ तर कुतर, ग बड़ी ई गई, एक दिन वह कुसुम की जुराब कुतर गई। तब कुसुम बहुत ऊ द को आस उदास, ह को छोटा ऊ बड़ी ई हुई, त भ को बड़ी ई तभी, ऊ स क को बड़ी ई उसकी, न को आ न को बड़ी ई नानी, अ को आ बड़ी ई आई, न बड़ी ई नई नई जुराब लाई, न बड़ी ई नई जुराब पाकर, क को छोटा ऊ स को छोटा ऊ म कुसुम, ख को छोटा ऊश खुश, ह को छोटा ऊ बड़ी ई हुई। फिर से पढ़ते हैं। एक चूहिया थी, वह बहुत चुलबुली थी, एक दिन वह कुसुम की जुराब उतर गई, तब कुसुम बहुत उदास हुई, तभी उसकी नानी आई, नई नई जुराब लाई, नई जुराब पाकर कुसुम खुश हुई। तो आइए अब हम देखते हैं पेज नंबर 38। सही उत्तर में निशान लगाओ। क पे है जुराब, किसने कुतरी? सुमन या चूहिया? तो जुराब चूहिया ने कुतरी थी, इसको हम राइट करेंगे। नानी क्या लाई? जुराब या गुलाब? तो नानी जुराब लाई थी। दिए गए चित्रों के नाम छांट कर लिखने हैं। यहाँ साइड पे इन्होंने नेम दिए हैं, पर आपको ये खुद से लिखने हैं। ये है कौन सी? गुलाब। ग को छोटा ऊ ल को आब गुलाब, क को छोटा ऊ र त को आ कुर्ता, ज को छोटा ऊ र को आब जुराब, ध न को छोटा ऊ श धनुष। अब नेक्स्ट देखिए, एक जैसे शब्दों पर गोला लगाना है, सर्कल करना है, जो शब्द एक जैसे हैं। चार चार शब्द दिए हैं, इनमें से एक जैसे शब्दों पे गोला लगाना है। इसमें ये फर्स्ट वाला चूहिया और ये लास्ट वाला चूहिया, ये जो हैं एक जैसे हैं, इनको हमने सर्कल करना है। अब सेकेंड में सेकेंड वाला चुलबुल और थर्ड वाला चुलबुल, ये सेम है, इन दोनों को हम सर्कल कर देंगे। थर्ड में सुराही, फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला सुराही, ये दोनों सेम है, इनको हम सर्कल कर देंगे। अब देखिए, अक्षरों को मिलाकर लिखो। ख छोटा ऊ श क्या बन गया? खुश। म छोटा ऊ क छोटा ऊ ट मुकुट। ग छोटा ऊ ड छोटी ई य को आ गुड़िया। क छोटा ऊ स को छोटा ऊ म कुसुम। अब नेक्स्ट है, जिन चित्रों के नाम में छोटा ऊ की मात्रा आती है उसमें रंग भरो। ये प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है, ये आपने देखना है कि जिन चित्रों में छोटे ऊ की मात्रा आती है उसको आपने कलर करना है। इस लेसन को आपने अच्छी तरह से रीड करना है और बुक एक्सरसाइज को अच्छी तरह लर्न करना है।
थैंक यू, हैव अ गुड डे।